नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड डायरी के अगले पड़ाव में आ चुके हम लोग छतरपुर, और छतरपुर के महाराजा कॉलेज के आर्ट और ड्राइंग डिपार्टमेंट के एचओडी हैं एसके छारी जी, और उन्होंने हाल में ही कुछ गुफा चित्रों और कुछ गुफाओं की खोज की है। तो आइए छारी जी से जानते हैं, उन्होंने गुफाओं को कैसे खोजा और उन्हें क्या मिला। हाँ, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर ज़िले की बिजावर तहसील के निकट जो है ना, जटाशंकर और मोना सैया और अम्मा पानी किशनगढ़ के पास में मैंने 2007 में इन प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स को खोजा था। इसके पश्चात मैंने इस पे नेशनल इंटरनेशनल पेपर पब्लिश कराए हैं और मेरा वर्क काफ़ी हो चुका है। मैंने नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था 2014 में, जिसमें देश के प्रतिष्ठित कलाकार और आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्ववेत्ता यहाँ पर पधारे थे। उन्होंने मैंने दूसरा सेशन सेकेंड डे का मैंने वहीं पर रॉक पेंटिंग्स मोना सैया और किशनगढ़ के पास में रखा था और उस रॉक पेंटिंग्स की विजिट कराई थी। इन शैल चित्रों के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअली में पाषाणकालीन प्री हिस्टोरिक हैं। इनका समय लगभग ना 30 से 40 हज़ार BC माना जाता है, क्योंकि इनकी बनावट और टेक्निक, जो कलर स्कीम वगैरह है या बनाने की जो टेक्निक है, वो टेक्निक प्रारंभिक है, शुरुआती है। इसके पहले जो आपने सुना होगा भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है रॉक पेंटिंग्स में, उन रॉक पेंटिंग्स की खासियत ये है कि वहाँ मल्टी कलर्स दिखाई देते हैं, लेकिन इन रॉक पेंटिंग्स में यहाँ पे केवल एक रेड कलर, रेड में एक दो टोन मिल जाते हैं, डार्क और लाइट शेड जो है ना। इस वजह से ये रॉक पेंटिंग्स प्राचीन से प्राचीनतम है और इनका लगभग टाइम 25 से 40 हज़ार ईस्वी पूर्व माना जा सकता है। जैसा कि हमें छारी जी ने बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी रॉक पेंटिंग है, तो हम लोग आ पहुँचे हैं जटाशंकर। जटाशंकर फेमस है अपने मंदिर के लिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्तगण अपनी मान्यताओं को लेकर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कुंड पर स्नान कर करके अपनी मान्यताओं को पूरा करते हैं। लेकिन हम जिस चीज़ के लिए आए हैं वो है रॉक केव पेंटिंग्स। तो मेरे पीछे आप कुछ केव्स देख रहे हैं, यही भी इसी पूरे पैनल पर एक केव्स पेंटिंग है यहाँ पर, तो हम लोग उनको एक्सप्लोर करेंगे और जाने पाएंगे किस तरह की पेंटिंग्स हैं। आज मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ, मेरे पीछे एक गुफा है और एक गुफा करीब 40,000 साल पहले यहाँ पर हमारे पूर्वज रहा करते थे, और उन पूर्वजों को देखने के बारे में पता करने के लिए हम लोग इनको एक्सप्लोर कर रहे थे। हमें बहुत सारी सुंदर यहाँ पे पेंटिंग्स दिखाई दे रही हैं और इनको देखने में पता चलता है कि वो लोग कैसा जीवन जीते थे, और उनको शुरू से ही आर्ट और ड्राइंग का शौक था जो हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आइए आपको भी दिखाते हैं। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्री हिस्टोरिक काल के केव्स पेंटिंग हमें दिखाई दे रही हैं। इसमें मैं कुबेर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दिखाए यहाँ पर कि एक शिकार करते हुए व्यक्ति का चित्र यहाँ पर है, और साथ में कुछ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ट्रायंगल्स वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, और ध्यान से देखने पर दिखाई देता है कि कुछ लोग और शिकार पर जा रहे हैं, कुछ चीज़ों को शिकार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि अभी खोजी जाने के बावजूद भी लोगों को यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं है, और लोग अब भी यहाँ पर बहुत जगह आग जला रहे हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी पेंटिंग्स, इतनी ऐतिहासिक चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और बगल में ही मंदिर है, लेकिन लोगों का ध्यान यहाँ पर बिल्कुल नहीं जाता है। जटाशंकर से थोड़ा और आगे बढ़ने पर 3 किलोमीटर की दूरी पर है मोना सैया। मोना सैया में पूरे इलाके में इस तरह के रॉक कट और रॉक केव्स हैं, जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाई दे रही हैं जो धुंधली पड़ गई हैं। ये धुंधली इसलिए पड़ गई हैं कि लोग यहाँ पर कोई इनका प्रॉपर सा प्रिजर्वेशन नहीं है, और लोग यहाँ पर आग जलाते हैं, जिसकी वजह से आग से धुंध की वजह से ये सारी की सारी जो पेंटिंग्स हैं मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, लेकिन वो धुंधली हैं। यहाँ पर काफ़ी साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाली जो देखने पर मुझे एक एनिमल है जो धुंधला पड़ गया। अगर मैं आदि मानव होता तो मैं इस जगह पर रहता। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रॉक शेल्टर है, और आइए देखते हैं इनके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। तो ये बहुत ही बड़ा रॉक शेल्टर है, यहाँ पर एक झरना भी है, पानी की उत्तम व्यवस्था है। तो मैं वहाँ पर रहता, यहाँ पर खाने को मिलता और पानी पीने के लिए मिल जाता और नहाने के लिए भी मिल जाता, तो बहुत ही सुंदर जगह है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है हमें। तो ये जो चट्टान में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक ज्वालामुखी के फटने से कई करोड़ साल पहले बनी होंगी, तो आप पैटर्न देख पा रहे हैं एक के बाद लेयर ऐसे ज्वालामुखी से करके बना हुआ है। और जैसे मैं इसको पैनल ऊपर देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें देखिए एक मगर है और एक गाय और उसका बछड़ा बना हुआ है। तो इंसानों को अपने घरों को सजाने का हमेशा से शौक रहा है,
थोड़ा और ऊपर की तरफ देखने पर यहाँ पूरा का पूरा पैनल चित्रों से भरा पड़ा हुआ है। अभी हमारा टूर, आज का टूर खत्म होने वाला है, लेकिन जो हमने चीज़ें देखी दैट्स अमेजिंग, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही चीज़ें हैं, हमने लाइव कैनवस को देखा। आप चाहते हैं कि हम लोग और नई नई चीज़ों को खोजते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। शेयर कौन करेगा? शेयर। ओके।